कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एफपी और किसान अनुकूल ऐप को किया लॉन्च। किसानों को अब आसानी से ई नाम ऐप पर मिलेंगे अधिक खरीदार। ई समृद्धि पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों से 6 लाख टन दाल खरीदेगी सरकार। खरीद प्रक्रिया को सहकारी समिति नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए किया जाएगा पूरा। हल्दी के भाव ने कई सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। कीमत में बंपर उछाल आने से किसान कर रहे हैं जबरदस्त कमाई। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाइयों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। हल्दी कारोबारी और किसान बंपर कमाई कर रहे हैं। हल्दी की कीमत में बंपर उछाल दर्ज की गई है। इस हफ्ते ताजा हल्दी की कीमत 20,000 रुपए प्रति क्विंटल पार कर गई। इससे पहले 2010-11 में अधिकतम कीमत 17,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई थी। पुरानी हल्दी की बात करें तो फिंगर वैरायटी की कीमत 16,900 रुपए प्रति क्विंटल और बल्ब वैरायटी की कीमत 15,900 रुपए प्रति क्विंटल है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले कभी ताजा हल्दी की कीमत 20,000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं हुई थी। होली से पहले सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दो महत्वपूर्ण किसान उत्पादक संगठन और किसान अनुकूल ऐप लॉन्च किए हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मोबाइल ऐप के साथ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का इंटीग्रेशन किया गया है। दूसरा एफपीओ इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप है। ONDC के साथ ई नैम मोबाइल ऐप के इंटीग्रेशन से ई नैम पर रजिस्टर्ड एफपीओ किसान एग्री प्रोसेस्ड उपज ONDC नेटवर्क वाले खरीदारों के माध्यम से बेच सकेंगे। केंद्र सरकार ने ई समृद्धि पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों से सीधे दाल खरीदने का फैसला किया है। सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक बफर स्टॉक के लिए किसानों से 6 लाख टन दाल की खरीद की जाएगी। खरीद प्रक्रिया को सहकारी समिति नेफेड और NCCF के जरिए पूरा किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए उनसे सीधे अरहर और मसूर दाल की खरीद की जाएगी। सरकार बाजार में दाल आपूर्ति बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक के लिए किसानों से दाल खरीद रही है। बाजार में प्याज की गिरती कीमतों के कारण महाराष्ट्र के प्याज किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इस समस्या का हल निकालने के लिए राज्य के पूर्व कृषि मार्केटिंग निदेशक सुनील पवार के नेतृत्व वाली एक समिति ने राज्य भर की सभी बाजार समितियों में प्याज के लिए ई नीलामी शुरू करने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए प्रतिस्पर्धी कीमत सुरक्षित करना और आगे के नुकसान को रोकना है। इस पहल से पारदर्शी नीलामी होगी और किसानों के बैंक खातों में बिक्री का पैसा सीधे जमा करने की सुविधा होगी। इससे व्यापारी किसानों का शोषण नहीं कर सकेंगे। देश भर में फिश सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मत्स्य संपदा योजना और ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चलाई जा रही है। योजना का मकसद समुद्र में मछली पकड़ने वालों और मछली पालन करने वालों की मदद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है ताकि उनकी आमदनी बढ़े। हाल में केंद्र सरकार ने फिशरीज का हब कहलाने वाले आंध्र प्रदेश में कई बड़े काम शुरू किए हैं। आंध्र प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए नेल्लोर में 288 करोड़ की लागत से जोलाडिन फिश एंड हार्बर का निर्माण कराया गया है। इससे आंध्र प्रदेश को एक और बड़ा मछली बाजार मिल गया है। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की बदौलत अब काफी बदलाव दिखने लगा है। बदलाव के इस सफर में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से कैसे होगी हाईटेक खेती, जानेंगे एक ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं।
अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश के कृषि सेक्टर में बदलाव आ रहा है और इस बदलाव में कृषि सेक्टर से जुड़ी महिलाएं कृषि अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए पुरुषों के साथ हर संभव प्रयास कर रही हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही कृषि क्षेत्र से जुड़े तकनीकी पहलू से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी बदौलत गांव में रहने वाली महिला किसान सपनों की उड़ान भरने की तैयारी कर रही हैं। देखिए mandi.com की ये खास रिपोर्ट। आजादी के बाद देश भर में महिलाओं का समाज में सम्मान तो बढ़ा, लेकिन उनके सशक्तिकरण की गति दशकों तक धीमी रही। वो कहते हैं ना कि घर से सबसे नजदीक खेत होता है, और देश की महिलाओं को खेत तक की दूरी तय करने में काफी वक्त लग गया। लेकिन अब जब देश की इन महिलाओं ने इस दूरी को पार कर लिया है तो बाकी महिलाएं उनकी ओर उम्मीद से देख रही हैं। देश भर की महिलाएं अब पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या खेती किसानी का, हर क्षेत्र में महिलाएं नाम कमा रही हैं। बदलते दौर के साथ खेती किसानी से जुड़कर कुछ महिला किसान खूब नाम और शोहरत कमा रही हैं और कुछ महिलाएं खेती किसानी में हाथ आजमा कर अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए जागरूक भी हो रही हैं। बच्चों को भी संभालते हैं और कंपनी का काम भी संभालते हैं, जो घर का काम करके भी मतलब जो भी टाइम मिलता है उस टाइम में किसानों से भी बात करते हैं, कंपनी का भी काम करते हैं और हर महीना कंपनी की मीटिंग भी करते हैं और रबी और खरीफ की फसलों में जो भी तैयारी किसानों से बात करने के लिए करते हैं तो वह मीटिंग भी करते हैं, गाँव में भी करते हैं और मतलब अपनी कंपनी में जो बोर्ड डायरेक्टर हैं हम लोग 5, उनसे भी बात करके हर महीने मीटिंग करते हैं 15 तारीख को। कुछ दिन पहले महिलाओं को लोग ट्रैक्टर चलाते देखकर हैरान होते थे, लेकिन आज वही महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं। गांव की जिन महिलाओं ने कभी साइकिल तक नहीं चलाई होगी वो अब ड्रोन पायलट बन रही हैं। दरअसल महिलाओं के लिए हाल में एक बेहद शानदार योजना शुरू की गई है जिसका नाम है ड्रोन दीदी योजना। योजना के तहत ग्रामीण भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने की प्लानिंग की गई है, जिसे देश की महिलाएं आधुनिकता के साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी योगदान करेंगी। भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। अगले 3 वर्षों में 15,000 किसान ड्रोन वुमन SSG को प्रदान किए जाएंगे। भारत सरकार 80% का जो है सब्सिडी की सहायता देगी, जो 80% ड्रोन की लागत कवर करेगी। शेष जो 20% है वो वुमेन SSGs एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत बैंक से लोन ले सकते हैं। ड्रोन दीदी योजना के तहत सरकार महिलाओं को ड्रोन उड़ाना सिखाकर कृषि के अलग अलग कार्यों का प्रशिक्षण देगी। स्कीम के अंतर्गत सरकार 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन मुहैया कराएगी। योजना के तहत 10 से 15 गांवों के क्लस्टर में एक महिला को ड्रोन सखी के रूप में चुना जाएगा। ड्रोन सखी के रूप में चुनी गई महिला को 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ड्रोन के जरिए खेतों में खाद और पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगी। स्कीम का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो कृषि गतिविधियों में शामिल रहती हैं। ये जो हमारी जो सब्सिडी स्कीम है, लगभग इसमें 10 लाख रुपए, मतलब टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10 लाख का 80%, मतलब 8 लाख रुपए देंगे, तो 8 लाख रुपए में हम लोग इसका जो प्रशिक्षण का खर्च है वो भी इसी में इंक्लूड होगा। और इसमें जो है लगभग जो ट्रेनिंग है वो 15 दिन का होगा, 5 दिन का जो है कंपल्सरी ट्रेनिंग होता है DGC द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग जो है बहुत ही गहन ट्रेनिंग होना चाहिए और बहुत ही प्रशिक्षण का जो है कालावधि, इसीलिए भी हमने पहले
पहले मैंडेटरी 5 दिन का है, लेकिन हमने 10 दिन का और इसमें इंक्लूड करके उसको सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि ड्रोन योजना के माध्यम से देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को कृषि ड्रोन से अवगत कराना है, क्योंकि कृषि ड्रोन के माध्यम से कृषक अपने खेतों में बड़े पैमाने पर उर्वरक और दूसरे कीटनाशकों का आसानी से असरदार छिड़काव कर समय और पैसे की बचत कर सकेंगे। कृषि ड्रोन के माध्यम से 1 एकड़ भूमि पर 7 से 10 मिनट में आसानी से कीटनाशक दवाइयों और यूरिया का छिड़काव किया जा सकेगा। हमारी जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और किसानों की आमदनी बढ़ानी है, ताकि उसकी जो खर्चे की लागत है कम होनी चाहिए। हमने इस तरह का पहल करके एक जो महिलाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि महिलाएँ कुछ भी कर सकती है। मतलब चाहे उनको अगर जिम्मेदारी मिले, जैसे घर की जिम्मेदारी तो निभाती है बहुत अब, और हमारे एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। अगर उनको हम अच्छा एक औजार दे दें, अच्छा एक टेक्नोलॉजी दे दें, अच्छी दे, तो वो कुछ क्या नहीं कर सकती है। एग्रीकल्चर ड्रोन के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि हर ड्रोन के लिए ट्रेन पायलट की जरूरत पड़ेगी। इसके तकनीकी पहलुओं और उड़ाने के नियमों को जानना जरूरी होगा, इसलिए कई राज्यों में पायलट ट्रेनिंग हो रही है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में ड्रोन तकनीक के उपयोग से कृषि क्षेत्र में बदलाव तो होगा ही, गांव में रहने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। ड्रोन है, आप देखिए कि इसको 400 से 500 रुपए जो प्रति एकड़ उसमें चार्जेस होगा, और आप अगर इकोनॉमिक्स देंगे लिखेंगे तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक महिला जो है, मतलब एक जो स्वयं सहायता समूह जो है, लगभग 1 लाख रुपए प्रति वर्ष वो कमा सके। इस तरह से ये इकोनॉमिक्स वो डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि वो जो एक सक्षम हो गए, आर्थिक निर्भरता आए उनके अंदर, सक्षम हो, सशक्तिकरण हो। इस दृष्टि इस ये जो हमारी जो स्कीम है ड्रोन दीदी योजना, इसी का यही एक मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करे, उनको रोजगार मिले। ड्रोन के संचालन के लिए विशेष कौशल का होना आवश्यक है, इसलिए किसानों को ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों एवं कृषि महाविद्यालयों में दिया जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार द्वारा ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क होगा। इस नई टेक्नोलॉजी को अगर हमको इस्तेमाल करना है तो हमारी जो मैन पावर है उसको ट्रेन करना बहुत आवश्यकता है। इसे अगर आप ड्रोन की अगर उड़ाने की बात कहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है जो हमारी ट्रेनिंग, जो कि हमारे RPTO सेंटर्स है, मतलब जो कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमारी जो DGCA के द्वारा अप्रूव्ड है। लगभग 80 जो है RPTOs हमारे देश में बनी हुई है, और विभिन्न जो पूरे भारत में ये जो फैले हुए हैं, और वहाँ पे कोई भी जो है, या आम किसान हो, या युवा हो, या महिला स्वयं समिति, जाके वहाँ पे वो प्रशिक्षण ले सकता है। सचमुच ड्रोन दीदी योजना एक अनूठी पहल है, जिसके तहत ग्रामीण भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने की प्लानिंग है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कृषि के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता क्या है, और ड्रोन खरीदने पर सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी मिलती है। और हम वापस आएंगे और तेरे पूरे खानदान को मिटा कर रख देंगे। वो दीदी माँ तुमसे क्या कह रही थी? कब? वो आज सुबह हॉल में। हम बताते हैं। हे भगवान, मैं तो इसमें डर से मर जाती। ये भूखा का घर है, इसलिए आप बच गए। रात में आने वाला कभी यहाँ से वापस नहीं जाता। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। खेती किसानी के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन अब भी ज्यादातर किसान इससे अनजान है। जो जानते हैं वो इसके ज्यादा दाम की वजह से इसे खरीद नहीं सकते। ऐसे में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से क्या तैयारी है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। खेती किसानी के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन अब भी ज्यादातर किसान इससे अनजान है। जो जानते हैं वो ज्यादा दाम की वजह से इसे खरीद नहीं सकते। ऐसे में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। दरअसल पारंपरिक यूरिया और डीएपी के साथ अब नैनो यूरिया और डीएपी लिक्विड भी लॉन्च किया गया है। ऐसे में अब देश में बड़े पैमाने पर ड्रोन की जरूरत होगी, क्योंकि कीटनाशकों की तरह अब फसलों पर खाद का भी स्प्रे करना होगा। ड्रोन के उपयोग से किसानों को बड़ा फायदा ये है कि वो स्प्रे के समय खाद और कीटनाशकों के मानव शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। इस तरह से जो है आप बहुत ही इकोनॉमिकल और फायदेमंद, समय की बचत सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और लेबर का जो अवेलेबिलिटी नहीं है आजकल आप देखेंगे कि दवाई छिड़कने के लिए आदमी भी नहीं मिलते हैं, तो इस तरह से जो है ये बहुत ही फायदेमंद है पड़ेगा, और आने वाले दिनों में इसमें ये कृषि में बहुत बड़ी क्रांतिकारी इसमें पहल होगी। ड्रोन खरीदने पर अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए अलग अलग सब्सिडी है। योजना के तहत 100% तक की भी छूट है, लेकिन ये सुविधा हर किसी के लिए नहीं। SC/ST वर्ग के किसानों, छोटे एवं सीमांत किसानों, महिलाओं एवं पूर्वोत्तर राज्य के किसानों को 50% या अधिकतम 5,00,000 रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। देश के अन्य किसानों को 40% या अधिकतम 4,00,000 रुपए तक का, और किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO को 75% तक की सब्सिडी कृषि मशीनीकरण मिशन के तहत मिलेगी। जबकि कृषि विश्वविद्यालयों, सरकारी कृषि रिसर्च सेंटरों, कृषि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कृषि विज्ञान केंद्रों को ड्रोन खरीदने पर 100% सब्सिडी मिलेगी, यानी उन्हें ड्रोन निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। जैसे देखा है कि मैंने एक दो स्कीम है, वही एक हमारी जो ड्रोन दीदी योजना है। आप ड्रोन दीदी योजना में 80% हम महिला समूह को देंगे, ठीक है। दूसरा हमारी एक ऑलरेडी एक स्कीम जो सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन नाम की जो स्कीम है, जो ऑलरेडी भारत सरकार ने 2014-15 से ही उसको लागू किया है, और हमने एक दो साल पहले हमने इसको ड्रोन को भी इसमें शामिल किया है। तो उसमें हम लोग 40% जो जनरल कैटेगरीज के जो फार्मर्स है उनको देते हैं, और 50% जो है SC/ST जो है किसानों को देंगे, और महिलाओं को देंगे, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो फार्मर्स है उनको हम लोग 10% जाता, मतलब 50% तक सब्सिडी देंगे। मतलब 10,00,000 से का अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें 5,00,000 रुपये समेत और 4,00,000 रुपये समेत, इस तरह से हम उनको उनको उसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं। जो ISR के इंस्टीट्यूट है हमारी, KVKs है, या हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है, इनको हम लोग 100% तक देते हैं उनको जो ड्रोन की लागत जो है, और साथ साथ में उनको 3,000 रुपये प्रति एकड़ का जो कंटिन्यूसी चार्जेस वो भी देते हैं, और FPOs को जो है हम लोग 75% देते हैं, और उनको भी हम लोग जो 3,000 रुपये की जो कंटिन्यूसी चार्जेस है, जो खर्चा आएगा डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, उसके लिए भी हम लोग भारत सरकार व्यय करती है, मतलब सहायता देती है FPOs को। आज के दौर में तकनीकी स्तर पर कई चीजों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, ड्रोन भी इनमें एक है। दुनिया भर में ड्रोन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, खासकर कृषि के क्षेत्र में। ड्रोन तकनीक के उपयोग में तेजी लाने के लिए रेगुलेटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि फायदेमंद ड्रोन्स का इस्तेमाल गलत काम के लिए भी हो सकता है। ड्रोन के नफा नुकसान को देखते हुए जरूरी है कि इसे रेगुलेट किया जाए, ये तय किया जाए कि कब और किन परिस्थितियों में ड्रोन का इस्तेमाल होगा। ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। इनमें पहली शर्त है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। इसके अलावा ड्रोन उड़ाने की ऊंचाई और रफ्तार को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। हाई टेंशन वायर या मोबाइल टावर वाली जगहों पर ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेना जरूरी है। साथ ही ग्रीन जोन के क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से दवाई का छिड़काव नहीं किया जा सकेगा।
खराब मौसम या तेज हवा में ड्रोन उड़ाने पर मनाही है। इसके अलावा और भी कई तरह के प्रतिबंध हैं। इस बारे में जानने के लिए आप अनमैट एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 पढ़ सकते हैं। इसके नियम थोड़े से कड़े हैं, मतलब इसको ऐसा है कि क्योंकि आप एग्रीकल्चर में कोई लोग इसका गैर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इसके लिए देखते हुए भारत सरकार ने 3 जोन में पूरे भारत को जो है मानचित्र को बांटा हुआ है। एक तो ग्रीन जोन है, एक होता है येलो जोन और रेड जोन। येलो और ग्रीन रेड जोन में आपको जो है आपको DGCA की परमिशन लेना पड़ता है उड़ाने के लिए, लेकिन ग्रीन जोन में है तो उसमें आपको कोई भी उसको मतलब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है मैपिंग ऑलरेडी कर चुका है कहाँ पे, जब भी उड़ाएंगे तो आपको दिखा जाएगा कि उसमें ग्रीन जोन है या। उसके बाद जो है हर एक जो ड्रोन होता है उसका UID नंबर होता है, जिस तरह से हमारी गाड़ी का नंबर होता है उस तरह से ये UID नंबर भी होता है, ताकि जो ड्रोन लेंगे उसी वक्त उसको रजिस्ट्रेशन भी होगा DGCA द्वारा, ताकि वो पता चलेगी कि कहाँ से कौन सा उड़ रहा है ये और कौन सा ड्रोन कहाँ पे। तो ये सारा जो बात है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जैसे एयरपोर्ट का स्थान है या सिक्योरिटी के स्थान है हमारे, हाईवेज है या जहाँ पे हाई टेंशन लाइन है, वहाँ पे आपको ड्रोन उड़ा नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि उसको आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह से कोई भी बाधा मतलब उत्पन्न ना ना हो, मतलब सिक्योरिटी में लैप्स ना हो, तो ये सब देखने का बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मैं बहुत अनिवार्य रूप से कहना चाहूँगा कि आज बहुत से ड्रोन लोग खरीद रहे हैं और उड़ा रहे हैं, लेकिन इसके एक्शंस बहुत गंभीर होगा, क्योंकि ये गैरकानूनी, अगर किसी ने भी अगर बिना लाइसेंस का उड़ा रहे हैं तो ये बहुत बहुत ही गंभीर विषय है। अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश बनने और किसानों की आय दोगुनी करने की अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहता है तो कृषि क्षेत्र को आधुनिक डिजिटल कृषि तकनीक तत्काल अपनाने की आवश्यकता है, ताकि कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो और सभी किसानों को बाजार से जुड़ी सूचना मिल सके। ड्रोन एक ऐसी ही तकनीक है जिसमें कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है। Mandi.com के लिए नई दिल्ली से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। Mandi.com में आज बस इतना ही, अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।